इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, हम आपको देख सकते हैं, मुस्तकिल आप हमारे साथ ही हैं और कुछ कलमात अदा फरमाएं। इफ्तिखार आरिफ साहब जी, मैं तमाम सभी मेहमान मजलिस का की इजाज़त से जाहिर है कि मैं एक एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। मेरी 75 बरस से उम्र ज़्यादा तजावज़ कर गई। मैंने कभी ज़िंदगी में वादा फरामोशी और वादा शिकनी भी नहीं की। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अमित शाह से कहा कि मैं आऊँगा और मैंने वादा किया और मैं नहीं आ सका। इसका सबब कोरोना से ज़्यादा मेरा मेरे काम की तकलीफ थी और मैं तमाशा में बनना चाहता था। हालांकि मैं जाहिर है कि इस कॉन्फ्रेंस की शिरकत मैंने दोस्तों को देखा, अपने बुजुर्गों को देखा, मैं देख रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। बहुत से सवाल उठाए गए ऐसे भी जो ज़बान अदब से ताल्लुक़ रखते थे और ऐसे भी जिनका सियासी एक आशिया भी था। जाहिर है कि मैं तो उस नज़रिए पर यकीन रखता हूँ कि जिसमें सियासत को अदब से अलहदा नहीं किया जाता, और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ाद ख्याली अपनी जगह उसकी भी हदूद व हुदूद हैं, मगर आदमी अपने मुल्क का, अपनी धरती का, अपनी ज़मीन का और अपनी ज़बान का और अपने अपने अकीदे का और नज़रियात का वफादार होता है।